अब इंतज़ार की घड़ियाँ संपत सरल जी की ख़त्म हुई हमारी नहीं हम तो हमने तो कब्जा कर रखा था है मैंने पहले एक शेर बोला था थोड़ी देर पहले कि गैर उठे तेरी महफिल से तो मैं बैठूं तो कोई उठने का नाम ही नहीं ले रहा था और हमारे मैनेजिंग एडिटर आशीष तिवारी ने और यहाँ पांडे जी ने मिलकर जितना बड़ा टाइट रखा था शेड्यूल कि वो जगह ही नहीं हो रही थी अब मैं बहुत लोगों के को बात करने के लिए उनके पास सब्जेक्ट भी थे पर वो लोग पूरी बात नहीं हो पाई पर एक बार में सारी बात नहीं हो सकती तो मैं पूरे सम्मान और आदर के साथ संपत सरल जी को आमंत्रित करता हूं मैं जनधारा मीडिया और एशियन न्यूज का आभारी हूं आदरणीय सुभाष मिश्र जी का सच बताऊं कि मैं करीब तीन साढ़े तीन घंटे से बैठा हूं और बहुत रुचिपूर्वक सब लोगों को सुन रहा हूं और मुझे बहुत अच्छा लगा आप संख्या पर न जाएं कितने लोग बैठे हैं ये अगर ऑडिटोरियम खचाखच भरा होता तो भी अच्छा सुनने वाले इतने ही लोग होते इस पे सर हो थोड़ा आ जाएगी। मेरी तो कल सुबह नौ चालीस की फ्लाइट है कहां जाऊंगा <laughs> अब आज इधर उधर की बात नहीं होगी और बहुत थोड़ा सा समय आपका लेकर के बहुत बहुत अच्छा लगा जिस दौर में हम हैं वहां अगर मीडिया सरोकार की बात कर रहा है यही अपने आप में बड़ी बात है तो इस बात के लिए भी जनधारा मीडिया एस एन न्यूज और सुभाष मिश्र जी का धन्यवाद ज्ञापन करने वरना अब तक तो दो चार लोगों को लड़वा करके इस ऑडिटोरियम को भर लेते ही <laughs> लोग अगली बार रुचि से आते कि चलो यार वहां लड़ाई अच्छी सुनने को मिलती है जितनी भी चर्चा हुई उसका सार संक्षेप मैं निवेदन कर दूं, ये आवारा पूंजीवाद के साइड इफेक्ट है इस बात को कोई समझ नहीं रहा है और उसमें बेकाबू टेक्नोलॉजी मिल गई सभ्यता ये नहीं है विकास ये नहीं है कि कितने एक्सप्रेस वे बने कितने फ्लाईओवर बने या हमने क्या क्या भवन बना दिए विकास सच्चाई यह है कि समाज में झूठ बेईमानी प्रतिशोध हिंसा लालच ये कितने घटे अगर छह लेन के एक्सप्रेस वे पे या कोई बहुत बड़े सुंदर फ्लाईओवर पर झूठे लालची और बेईमान लोग चलेंगे तो वो हमारे किस काम आएंगे बात अच्छी गई बाबू जी ने कि यहां एक अच्छा कला संस्कृति का कोई स्थान होना चाहिए जैसे भारत भवन है या हमारे जयपुर में जवाहर कला केंद्र है आप एक कला केंद्र यहां बना दो इस शहर के अपराध जो भी आप बता रहे थे वो मैं समझता हूं सत्तर अस्सी परसेंट घट जाएंगे लोग आकर के अपनी कला की बातें करेंगे वैसे लोगों की संगत करेंगे उनको सुनेंगे खुद रुचि लेंगे तो चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी मैं कुछ लघु कथाएं आपको सुनाता हूं अब अच्छा सुनने वाले लोग बैठे हैं इसलिए मैं इधर उधर की बात नहीं करूँगा और कल भी हम बात कर रहे थे कवि सम्मेलन को लेकर के मुझे सच में वैसे कार्यक्रमों में जाने में कोई रुचि नहीं रही कि वहाँ ऐसा सब वो नोंक झोंक और इस तरह का जो होता है अभद्र वो सहनीय नहीं होता पिछले दिनों एक कवि सम्मेलन में मैं फंसा कवयित्री ने सरस्वती वंदना की और इतना बेसुरा गा रही थी वंदना के बोल थे माँ मुझे स्वर का ज्ञान दे मैंने कहा भाई वंदना अपनी जगह है मांग वाजिब कई लोग कहते हैं संपत सरल जी आपके दो चार ऑडियो वीडियो क्या घूमे आजकल आप पैसा बहुत लेने लग गए मैंने कहा जी बात तो आपकी ठीक है लेकिन आने जाने का किराया और साथ के कवियों को सुनने का मेहनताना घटा दो तो बचता ही क्या है तो घंटों ऐसे लोगों को तो मैं वो उस तरह से सुनाता हूं जो अमूमन कवि सम्मेलन में नहीं होता पहली लघु कथा है ग्लोबलाइजेशन महल के मुख्य द्वार की दिशा में अपार जनसमूह का शोर सुन राजा राम ने लक्ष्मण से प्रश्न किया यह कैसी आवाजें आ रही अनुज कौन लोग होंगे उत्तर मिला भगवान सब अयोध्यावासी हैं जब से राज्य में ग्लोबलाइजेशन आया है प्रत्येक नागरिक धनुष बाण खरीदने को लोन लेना चाहता है ताकि वह भी सोने का हिरण मार सके सदाचार परसाई जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हिंदुस्तानी आदमी काम शुरू करने से पहले सोचता है कि इसमें बेईमानी कहां करनी है अब आप देखो सदाचार पिता बिजली विभाग में है और पुत्र जलदाय विभाग में है दोनों ने शहर की एक कॉलोनी में बराबर ही में अपना अपना नया मकान बनवाया है पिता को मकान में नल कनेक्शन चाहिए और पुत्र को बिजली कनेक्शन जब तक पिता घूस नहीं देगा बेटा उसके यहां नल नहीं लगने देगा जब तक बेटा घूस नहीं देगा पिता उसके यहां बिजली कनेक्शन नहीं होने देगा पिता पुत्र में जूतम पैजार चाहे हजार होती हो लेकिन भारतीय संस्कारों में अभी इतनी गिरावट नहीं आई है जहां मैं खत्म करूं अच्छा लगे तो मुझे बताना लेकिन भारतीय संस्कारों में अभी इतनी गिरावट नहीं आई है कि पिता पुत्र ही आपस में रिश्वत मांगने लगे सो बेटा बिजली की चोरी करता है और बाप पानी की ये वैसे मीडिया का कार्यक्रम है लेकिन जिसे कहते हैं ना तथाकथित मुख्य धारा का मीडिया उससे मेरी शिकायत है और आजादी के आंदोलन में भी आप सब पढ़े लिखे लोगों हो मुख्य धारा के मीडिया तब भी धंधे पे उतरा हुआ था जो थोड़ा बहुत काम कर रहे थे वो इसी तरह के लोग कर रहे थे और जो क्षेत्रीय पत्रकारिता है जिसे हम छोटा चैनल या छोटा अखबार कहते हैं अभी भी सच्चा काम वही लोग करते हैं क्योंकि वो उन पर किसी ये दबाव नहीं रहता धंधे का कोई लालच नहीं है और जनता से सीधे संपर्क में रहते हैं एक लघु कथा आप सुनो कैसे तांते हैं खबर को ब्रेकिंग न्यूज आत्मनिर्भर नामक राज्य में डिजिटल क्रांति भले होने को थी पर न्यूज क्रांति हो चुकी थी न्यूज चैनल खबरें तलाशते नहीं गढ़ते थे और देते नहीं फैलाते थे ब्रेकिंग न्यूज की तो मारामारी रहती थी एक दिन ज्यू ही राजा नहाकर स्नान घर से निकला त्यू ही एक न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज दागी राजा नहाया दूसरे न्यूज चैनल ने खुशी जाहिर की राजा आज भी नहाया तीसरे न्यूज चैनल ने अटकलें लगाई राजा क्यों नहाया चौथे न्यूज चैनल ने नई जानकारी दी राजा पहली बार नहाया पांचवें न्यूज चैनल ने आत्मनिर्भरता की पुष्टि की राजा खुद नहाया और इस बार तो आप तालियां बजाएंगे छठे न्यूज चैनल ने रहस्योदघाटन किया राजा पानी से नहाया सातवें न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज में गर्मी भरी राजा गर्म पानी से नहाया आठवें न्यूज चैनल ने स्थिति और साफ की राजा साफ पानी से नहाया नौवें न्यूज चैनल ने गुप्त जानकारी दी राजा स्नान घर में नहाया और अंतिम है दसवें न्यूज चैनल ने राहत भरी ब्रेकिंग न्यूज चलाई राजा आज तो नहाया ऐसा नहीं कि समाज में सब कुछ गलत हो रहा है लेकिन व्यंग्यकार का उद्देश्य होता है जो कुछ है उसे बेहतर चाहिए अच्छे बुरे लोग सब जगह होते हैं वहीं एक आपके स्मार्ट सिटी की बात की मैं आपको एक स्मार्ट सिटी की दास्तान सुनाता हूं मैं समझता हूं कि हमारे जयपुर से बढ़िया स्मार्ट सिटी दुनिया में शायद कोई एक दो ही होंगी हमारे राजा ने रोम और पेरिस और टोक्यो और पता नहीं कहां कहां लोगों को भेज करके पूरा जांच परख करके फिर जयपुर बसाया था लेकिन स्मार्ट सिटी किधर चल पड़ती है इसको आप जयपुर न समझे ये हर आदमी के शहर की ये स्थितियां हैं जो बुनियादी सवाल मैंने खड़े किए हैं उनका समाधान जिस दिन ठीक हो जाएगा कम संसाधनों से भी सिटी स्मार्ट हो जाएगी हम जिस शहर के वासी हैं, जयपुर से मेरा प्रथम परिचय कोई तीसरी कक्षा के दौरान हुआ था जब परीक्षा में एक बेहद कठिन प्रश्न पूछा गया था कि बताइए जयपुर का हवा महल किस शहर में स्थित है जयपुर के बारे में और अधिक जानने का अवसर फिर कोई सातवीं कक्षा के दौरान आया हमारे एक मास्टर जी हुआ करते थे वे जब भी कक्षा में आते हमें जयपुर का भूगोल और इतिहास बताया करते न उन्होंने हमें कभी अपना सब्जेक्ट पढ़ाया न हमने उन्हें कभी अपना सब्जेक्ट पढ़ाने को कहा मास्टर जी समझ गए थे कि बच्चे जयपुर के बारे में कुछ नहीं जानते बच्चे समझ गए थे कि मास्टर जी जयपुर के अलावा कुछ नहीं जानते जयपुर गुलाबी नगर है किसी शहर में शहर कितना सा बच गया तब देखें आप जयपुर गुलाबी नगर है गुलाबी नगर यानी हिंदी में जिसे पिंक सिटी कहते हैं हालांकि जयपुर में गुलाबी रंग अब उतना ही बचा है जितनी कि हिंदी फिल्मों में स्टोरी सदैव स्मार्ट सिटी रहे जयपुर को मेरा मानना है कि वर्तमान जो शिक्षा है वो आदमी को समझदार नहीं बनाती चालाक बनाती है और पूंजीवाद जो है उसने शब्दावली बदल दी उनकी परिभाषाएं बदल दी अब जैसे ट्रेड यूनियन के नेता यहां बैठे हैं पहले छंटनी होती थी आजकल स्क्रीनिंग होती है वो अपमानजनक शब्द था उसको गौरव दे दिया स्क्रीनिंग होती है कॉन्टेक्ट ठेकेदारी अब उसको पैकेज कहते हैं जैसे मान लो किसी की पचास हजार रुपए तनखा है सालाना उसको छह लाख रुपए मिलते हैं लेकिन अगर वो तनखा है तो उतनी बात अच्छी नहीं है लेकिन अगर वो तीन लाख रुपए पैकेज पर है तो ये पूंजीवाद की शब्दावली है जो सब चीजें कहीं और से तय हो रही हैं। हम गलतफहमी में हैं कि राजा का चुनाव हम कर रहे हैं दरअसल पूरी दुनिया का नक्शा आप देख लो एक पूंजीपति वो एक नेता और दो पूंजीपति या तीन पूंजीपति इस तरह का फॉर्मेट है पांच सात दस मल्टीनेशनल कंपनियां मिलकर के जिसमें चाबी भर देती हैं वो खिलौना चल पड़ता है आप क्या सोचेंगे क्या विचारेंगे जैसे नई शिक्षा नीति की बात हो रही थी वो सब भी कोई और तय कर रहा है मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी ईदगाह वो पाठ्यक्रम से इसलिए हटा दी गई कि गांव में अगर मेले लगेंगे और हामिद अगर दादी के लिए चिमटा मेले से खरीदेगा तो मल्टीनेशनल कंपनियों के ब्रांडेड चिमटे ऑनलाइन कैसे बिकेंगे पढ़ाई तो यहां से शुरू होती है ना इस चीज की तरफ कहीं ध्यान ही नहीं है आप पहले औसत के प्रतिशत के इस तरह के सवाल पढ़ते थे हम औसत के तो ये पढ़ते थे कि भाई कबड्डी के पांच खिलाड़ियों की उम्र इतनी है और तीन की इतनी है तो बताओ उनकी सबकी औसत कितनी है अब आपको क्रिकेट के खिलाड़ी पूछे जाते हैं तो वहीं से इंजेक्शन लगता है तब आप देखें सवाल की भाषा तय करती है आदमी का चरित्र जैसे मैंने मैंने कहा कि मैंने मिश्र जी से दस हजार रुपए उधार लिए बारह परसेंट ब्याज पे दो साल बाद दो साल के लिए दिए बारह परसेंट ब्याज पर दो साल बाद मैं जी से कितने पैसे लूंगा। अगर मैं लेने वाली बात करता हूं तो फिर ब्याज बट्टे के धंधे में कूदूंगा मेहनत करनी यार पैसे से पैसा खींचो और चुकाने वाली देने वाली बात होगी तो मैं कर्जा लेने से डरूंगा तो वो फाइनेंस वाले तय करते हैं कि आपके सवालों की भाषा क्या होगी तब देखें आप सदैव स्मार्ट सिटी रहे जयपुर को सरकार फिर से स्मार्ट सिटी बनाने पर तुली है नतीजे आ भी रहे हैं लोगों में पढ़ने पढ़ाने के प्रति गजब का जोश है जब तक पास होते रहे पढ़ने जाते रहे ज्यू ही फेल हुए खुद स्कूल खोल लिया युवा पीढ़ी लैंग्वेज का इस्तेमाल तभी करती है जब बॉडी लैंग्वेज काम नहीं दे रही हो बोलचाल में अंग्रेजी का चलन बढ़ा है जैसे किसी से उसके मोबाइल नंबर पूछो तो आधे अंक अंग्रेजी में बताता है जैसे नाइन फोर वन फोर जीरो चौबीस तीन सौ पैंसठ चूंकि हम भारतीयों को विकास नहीं मोक्ष चाहिए अतः शहर भर में कदम कदम पर धर्मस्थल है मैं भी पुराने पापों से मुक्ति और नयों के लिए आशीर्वाद हेतु अक्सर मंदिर जाता हूं मैं अमूमन नंगे पांव मंदिर जाता हूं जिस दिन नंगे पांव मंदिर नहीं जाता हूं उस दिन घर नंगे पांव आता हूं शहर में ट्रैफिक जाम वाहन दुर्घटना आदि के मूल में मुझे गणेश जी का कोप नजर आता है हम देवताओं से सीखते नहीं पूजा आरती करते हैं हम शहर को नहीं चाहते शहर से चाहते हैं। शहर में ट्रैफिक जाम वाहन दुर्घटना आदि के मूल में मुझे गणेश जी का कोप नजर आता है नया वाहन खरीदते ही उसे गणेश जी के यहां ले जाने का रिवाज है यह गणेश जी के साथ एक प्रकार का मिसबिहेव है पता नहीं लोग महंगे लग्जरी व्हीकल उसे क्यों दिखाने जाते हैं जो खुद चूहे पर चलता है बहुत कुछ अलग होने के बावजूद जयपुर का पॉलिटिकल पैटर्न जरूर शुद्ध अखिल भारतीय ही है राजनीति वैसी है जैसे देश में और जगह है अर्थात जो भी जयपुर का अपना बनकर चुनाव लड़ता है जीतते ही अपने पर उतर आता है जरूर कोई दिया लिया ही आड़े आया होगा कि मैं खुद एक दफा चुनाव जीतते जीतते बचाऊ अच्छा लगे तो तालियां वालियां बजाते रहो थोड़ी सुस्ती उड़ जाएगी जरूर कोई दिया लिया ही आड़े आया होगा कि मैं खुद एक दफा चुनाव जीतते जीतते बचाऊं। चुनावी टक्कर इसके दर कांटे की थी कि मुझे मेरे विरोधी से मात्र एक वोट कम मिला हुआ यूं कि मैं सह पत्नी मतदान करने गया था ईवीएम पर मेरा नाम देखते ही मेरी पत्नी ने नोटा वाला बटन दबा दिया जिसे मैं अपना शुभ चिंतक समझता था वह भी राष्ट्र की शुभ चिंतक निकली और तालियां तो अब बजाएंगे आप हालांकि मतदान करने मेरा विरोधी भी पत्नी को साथ ले गया था लेकिन वह असली नेता था इसलिए अपनी नहीं ले गया था लोग बड़े मिलनसार हैं मैं स्वयं इस हद तक मिलनसार हूं कि सार निकलने तक ही मिलता हूं आप आए कभी मुझसे मिलने मैं आपको देखते ही यूं बाहें फैला दूंगा मानो हजारों सालों से आप ही का इंतजार कर रहा था मैं तुरंत आपको नजदीकी टी स्टाल तक ले जाऊंगा और ऑर्डर दूंगा बारह नंबर बारह नंबर चाय का अर्थ आप तब समझेंगे जब एक ही चाय दो ग्लासों में आएगी मैं अपनी चाय आपसे पहले पी बंद मोबाइल कान से लगा जरा दूर चला जाऊंगा थोड़े इंतजार के बाद आप ही चाय का भुगतान करेंगे जहां कुछ समय पहले आपके मन में झल्लाट थी कि भाई ने चाय तक पूरी नहीं पलाई पेमेंट के बाद तसल्ली रहेगी कि चलो सस्ते में छूटे तमाम तरह के दबाव झेलते महानगर के लिए ऑक्सीजन है टूरिज्म और ज्वेलरी मूर्ति कला और चित्रकारी ध्रुपद और कव्वाली तमाशा और गालीबाजी रंगरेज और मणिहारे पतंग और आतिशबाजी हैंडमेड पेपर और सांगानेरी प्रिंट जयपुरी रजाइयां और जयपुर फुट कभी रस कपूर की विलास रस कपूर एक गणिका थी तो राजा इतना डूब गया था कि राजकाज सब भूल गया तब आप देखें तवाइब थी वो कभी रस कपूर की विलासस्थल स्थली रहे और भरपूर समर्थन करना जहां मेरी दृष्टि गई राजनीति के लोग भी बैठे हैं कभी रस कपूर की विलासस्थली रहे जयपुर में आज भी इक्का दुक्का तवाइफे हैं पर धंधा नहीं करती हो सकता है भारतीय राजनीति का चरित्र देखकर तवाइफों का अपने पेशे से जी उचट गया हो जहां तक साहित्य का सवाल है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल तो विश्व प्रसिद्ध है ही जहां सैकड़ों बुद्धिजीवी हर साल इकट्ठा होकर बाजार पर विचार के बहाने विचार का बाजार तलाशते हैं। साहित्यकार जयपुर में कुल दो हुए रीतिकाल में बिहारी और आधुनिक काल में संपत सरल भाई खुद की प्रशंसा करने का कॉपीराइट मोदी जी के पास ही थोड़ी है सुनते हैं कि बिहारी को एक दोहा कहने पर राजा की ओर से सोने की एक असरफी दी जाती थी कला के लोग बैठे हैं व्यवसाय और कला का अंतर जाने सुनते हैं कि बिहारी को एक दोहा कहने पर राजा की ओर से सोने की एक असरफी दी जाती थी अब ये रिसर्च का विषय है कि बिहारी को दोहा कहने पर सोने की असरफी दी जाती थी या सोने की असरफी दी जाने पर बिहारी दोहा कहते थे जो हो उन असरफियों का तो अतापता तक नहीं है लेकिन बिहारी के दोहे आज भी जिंदा हैं और समापन है रही बात मेरी तो भयंकर सेल्फ युग के बावजूद अपनी आरती खुद ही क्या उतारनी बेहतर हो मेरी लोकप्रियता के बारे में आप उनसे पूछें जिनसे मैंने उधार ले रखा है बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप एक रचना मैं आपको और सुनाता हूं अक्सर लोग मुझसे यह सवाल करते हैं कि साहब आपको कभी धमकी उमकी नहीं मिलती ट्रोलिंग नहीं होती ये समस्या सोशल मीडिया की ज्यादा है आमने सामने की दिक्कत नहीं है बीजेपी के लोग भी यहां बैठे हैं सुन ही रहे हैं ना ऐसी कोई बात नहीं है आमने सामने सुन लेते हैं क्योंकि अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है कि कवियों और लेखकों को सुन करके सीधे भीड़ में जूता निकालें टोका टाकी होती है तो दस लोग दूसरे बिठा देते हैं और फिर वो कलाकार और लेखक पर भी निर्भर करता है कि वो उस समस्या को कैसे हैंडल करता है वो क्या है जेल सोशल मीडिया की प्रॉब्लम से भेज दिया आमने सामने उनको भी दिक्कत नहीं आती है इतनी सोशल मीडिया पे जैसे बाहर जाती गेंद छेड़ दिया आपने खामा खा का ट्वीट कर दिया और वो इस तरह की चीजें होती हैं अब जैसे मैं सोशल मीडिया पे सक्रिय नहीं हूँ तो मुझे कोई समस्या नहीं आती और सामने कोई मिलता है तो हंसके टाल देते हैं आते हैं इस तरह के फोन अरे यार आप भी क्या हंसी मजाक की बातों का बुरा मानते हो तो पिघल जाता है वो भी चीजें तो समझते हैं ना 2019 में जैसे मेरी इमेज ऐसी बना दी कि मैं मोदी जी का विरोधी हूं जबकि माणिक वर्मा जी की हम जिक्र कर रहे थे सत्तर साठ पैंसठ साल तक उन लोगों ने क्या धारदार व्यंग्य कहे क्या एक से एक अब ऐसी बात कर दो तो लोग जूता निकाल लेंगे उनकी एक कविता में एक अंश था ना वो कि परीक्षा की कॉपियों का बंडल एक गाय खा गई तो मास्टर जी ने भी दिमाग से काम लगाया गोबर देख करके नंबर दे दिए अब ऐसी बात करोगे तो बोले साहब आपने तो गौ माता का अपमान कर दिया ये तो ये सुना गया उस दौर में परसाई जी के या शरद जी के आप व्यंग पढ़ो वैसा तो आप, आप कह ही नहीं सकते शरद जी का कालम आता था ना प्रतिदिन आपके यहाँ तो किताबें पढ़ी मैंने लाइब्रेरी में देखी तीनों संग्रह आज ही मुझे ओशो की किताब भेंट की वो उस जोर में कह गई ओशो वो तो आज कल्पना भी नहीं कर सकते आप और शरद जी ने जो लिखा उसको भी लोगों ने सहा जब आचार्य रजनीश अमेरिका से आए वहाँ जब विरोध हुआ और तमाम अपना ताम जाम छोड़ करके पूना में आकर के आश्रम जमाए मुझे याद है मैं कॉलेज में पढ़ता था प्रतिदिन में एक लाइन लिखी थी उन्होंने बोले भक्तों के भक्तों की पुकार पर भगवान दौड़े चले आते हैं ये तो सुना था लेकिन ये पहले भगवान है जो भक्तों के साथ भागे अब आप किसी साधु सन्यासी के बारे में ऐसा सुन सकते हो लेकिन उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था आचार्य रजनीश ने जैसे लतीफे कहे वैसे तो कोई बड़ा लतीबाबाज भी नहीं कह सकता इतने चुटकुलों का संग्रह था तो आप समस्या को हैंडल कैसे करते हो मेरे पास 2019 में एक फोन आया जब मोदी जी की वापसी होने लगी और बढ़त मिली तो वो देखा यार ये आदमी रोजाना व्यंग करता रहता है तो उसने मुझ पर तंज किया बोले और सुनाओ क्या हाल चाल है मैंने कहा हाल चाल ठीक है और सुनाने का पैसा लेते हैं ये सच्ची बात है कोई बनाई हुई नहीं है बोले फिर जीत रहे हैं मोदी जी मका अच्छा हमको भी नया नहीं लिखना पड़ेगा एक दिन मैं सुरेंद्र शर्मा जी का एक वर्चुअल कार्यक्रम कर रहा था मैंने वर्चुअल किए नहीं कोरोना के टाइम वो एक ही था सिंगल उनके दबाव में करना पड़ा तो उसमें कुछ बड़े बड़े अधिकारी थे कुछ मल्टीनेशनल कंपनियों के सीओ थे जो मोदी जी के खिलाफ सुनना चाहते हैं तो एक इन, दो इनकम टैक्स के अधिकारी थे जूनियर और सीनियर तो वो जूनियर ने मैंने मजाक करी मेरे से बोले संपत सरल जी मोदी सरकार के खिलाफ इतना तीखा मत बोलो वरना किसी दिन हमारे बड़े साहब सुन रहे हैं छापा वापा वाले भिजवा देंगे मैंने कहा साहब एक हिंदी लेखक के घर में गबन के नाम पर लाइब्रेरी में प्रेमचंद के गबन उपन्यास के अलावा क्या मिलेगा और अगली बात जो मैंने कही मगर फिर भी ऊपर के दबाव में जबरदस्ती फंसाएंगे साहब तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे पाखंड देखो आप कि जिसको अपराधी कहते हैं दुराचारी कहते हैं दस तरह के आरोप लगा करके जेल भेजने की बात करते हैं वही अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो उज्जवल हो उठता है शायद यही प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना है तो समय तो सब नोट करता है एक रचना मैं आपको सुनाता हूं दो चीजें हैं गांव में जातीय कट्टरता है सांप्रदायिक सांप्रदायिक नहीं है शहर में है जातीय कट्टरता नहीं है वहां तमाम जातियों के लोग एक ही कॉलोनी में रह लेंगे जब तक गहरे नहीं उतरे और गांव में जो है सांप्रदायिक विद्वेश नहीं है सभी धर्मों के लोग मिलजुल के रहते हैं आज आप इस्लाम को मानने वाले से भी राम राम चाचा कह दो तो वो यू नहीं कह देगा यार आपने सलाम क्यों नहीं बोला वो राम राम का जवाब राम राम से देता है दूसरा अभी कहते हैं कि साहब ऐसे एक्सप्रेस वे बन गए और इतनी तरक्की होगी जैसे गाँव की कुछ बातें थी आप जाकर के गाँव की हालत पीछे से देखो जो फणिश्वरनाथ रेणु ने मेला आंचल में या श्रीलाल शुक्ल ने राग दरबारी में चित्रण किया है गांव आज भी वही है गांव की राजनीति वहां की चुनौतियां वहां के आत्मसंघर्ष ये शहर की तुलना में ज़्यादा जटिल है गांव के आदमी को आप भरमा नहीं सकते हो वो जिस चीज़ पे अड़ा हुआ है वहाँ अड़ा हुआ है वहीं से मैंने एक रचना निकाली एक आदर्श भारतीय गांव बड़ा लेख है उसका मैं सारांश आपको सुनाता हूं एक आदर्श भारतीय गांव फिर एक रचना और सुना देंगे फिर काफी हो गया आप बैठे हैं तीन साढ़े तीन बजे से आज भी जो ये शहर में रहकर के रूमानी चश्मे से गांव देखना अलग बात है लेकिन गांव में जाकर के उन लोगों का जीवन देखो या हम हमारे खुद के ही ओरिजिनल गांव में चले जाएं जहां पैदा हुए तो दो दिन से ज्यादा नहीं रुक पाएंगे आज भी जो ये मानते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बचती है मेरे ख्याल से उन्होंने गांव उतने ही देखे हैं जितनी की आत्मा जिस आदर्श गांव का जिक्र मैं करने जा रहा हूं वह राजधानी से पचास किलोमीटर पश्चिम में है क्योंकि रास्ते में शराब के कई ठेके पड़ते हैं अतः यह दूरी घटती बढ़ती भी रहती है कहते हैं कि उक्त आदर्श गांव किसी जालिम सिंह नामक डाकू ने बसाया था पुराने गांव चौधरी जी ने सेठ जी ने या पटेल ने ये सब बसाते थे ठाकुर साहब कहते हैं कि उक्त आदर्श गांव किसी जालिम सिंह नामक डाकू ने बसाया था आप भारतीय राजनीति का चरित्र देखना अच्छा लगे बताना मुझे कहते हैं कि उक्त आदर्श गांव किसी जालिम सिंह नामक डाकू ने बसाया था जो कि निहायत ईमानदार और परोपकारी डाकू थे क्योंकि निर्वाचित नहीं थे हालांकि बाद में उन्होंने भी डाकू जीवन से वी लेकर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली थी उनके समझ में आ गया होगा कि एक डाकू को जिनके यहां डकेती डालने जाना पड़ता है चुनाव जीत लेने पर वे ही लोग घर बैठे दे जाते हैं और सबसे आक्रामक व्यंग में आज की शाम का बता रहा हूं अच्छा लगे तो मेरे लिए ताली बजाएं अच्छा अगर नहीं लगे तो मेरी हिम्मत की दाद दें असली स्वच्छ भारत अभियान की कहां जरूरत है यो भी अपराध और राजनीति में मैज वोटिंग का ही तो अंतर रह गया है संसद पर जिन आतंकियों ने हमला किया था सुरक्षा प्रहरियों ने उन्हें गोली मारने से पहले निश्चित ही कहा होगा मानते हैं आप आतंकवादी हैं बहुत बड़े अपराधी हैं लेकिन चुनाव जीते बिना अंदर नहीं जाने देंगे आदर्श गांव में दसों दिशाएं तीनों मौसम बारह महीने और सातों वार सब होते हैं गांव के आदमी का एक नास्टेलजिया होता है बस एक तो गांव के उत्तर में किसी भी साइज का कोई हिमालय नहीं है और दूसरा गांव तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ नहीं है गांव वालों का दावा है कि डाकू जालिम सिंह जी दो चार दिन भी और जीवित रह लेते तो आज ये दोनों चीजें भी गांव में होती गांव के लोग किफायती इस हद तक हैं कि किसी को मिस कॉल तक अपने फोन से नहीं मारते और दरिया दिल ऐसे मिस कॉल मारने के बाद फोन कर करके भी पूछते रहते हैं कि मिस कॉल मिला क्या गांव में कुल तेरे पर्यटक स्थल हैं तीन शराब के ठेके एक मंदिर एक प्राइमरी स्कूल दो कुएं एक पुलिस चौकी तथा पांच शमशान घाट ये गांव के टूरिस्ट प्लेस है सरकारी ठेकों के बावजूद हस्त निर्मित शराब को ही प्रायोरिटी दी जाती है ताकि ग्लोबलाइजेशन के इस भीषण दौर में भी स्वदेशीपन बना रहे अधिकांश लोग शराब पीते हैं जो नहीं पीते हैं वे कई नहीं भी पीते हैं जो नहीं पीते हैं वे पीने वालों को समझाते बुझाते रहते हैं उनके समझाए से जब पीने वाले नहीं समझते हैं तो दुखी होकर वे भी पीने लगते हैं लोगों में सरकारी नौकरियों के प्रति बड़ा मोह है सबका प्रयास रहता है कि काम ऐसा हो जिसमें काम न हो जहां तक मेहनत मजदूरी का सवाल है मेहनत करने वाले को मजदूरी नहीं मिलती और जिसे मजदूरी मिल जाती है वह मेहनत बंद कर देता है एक शब्द मैंने कांति कुमार जैन की किताब है तुम्हारा परसाई वहीं से उठाया जो मुकुट बिहारी सरोज और परसाई जी की व्यवहार के बीच में से वो निकला तो मुझे अच्छा लगा मैंने वो इस्तेमाल किया देखो क्या खूबसूरती थी उस शब्द में सबके आपसी संबंध गठबंधन सरकारों जैसे हैं अर्थात स्वार्थ ही दो लोगों को जोड़ता है उम्र का फासला भी रिश्तों में बाधक नहीं बनता दिन में जो बेटे का क्लास फेलो होता है शाम को वही बाप का क्लास फेलो होता है गांव में जब से हैंडपंप लगे हैं दोनों कुएं शर्त लगाकर कूदने के काम आ रहे हैं स्कूल उतनी ही देर चलता है जितनी देर मिड डे मील चलता है पुलिस चौकी को लेकर मतभेद है कि अपराध बढ़ने से चौकी खुली है या चौकी खुलने से अपराध बढ़े हैं अब जो मूल समस्या है गांव की जिसने सत्तर पिछहत्तर साल में देश को पनपने नहीं दिया और गांव भी नहीं पा। पांच शमशान घाटों से स्वतः सिद्ध है कि गांव में पांच जातियां रहती हैं इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि मनुष्य के मरने के बाद भी उसकी जाति नहीं मर जाए एक दफा क जाति के लोगों ने अपना एक शव गफलत में ख जाति के शमशान में जला दिया बात ऐसी बिगड़ी कि ख जाति वालों ने तुरंत अपना एक व्यक्ति मारा और उसे कई जाति के शमशान में जलाकर बदला लिया और व्यंग पर अब तालियां उठेंगी अंततः लोकल विधायक ने दोनों जातियों से दो दो लोग मरवाकर उनके अपने अपने शमशानों में जलवाए तब जाकर शांति हुई एकमात्र मंदिर का निर्माण भी डाकू जालिम सिंह जी ही करा गए थे और भले किसी को बुरा लगे लेकिन मैं हर कवि सम्मेलन में भी कहता हूं कि जिस देश में शिक्षण संस्थाओं से ज्यादा धर्मस्थल होंगे वहां क्या अच्छे दिन आएंगे एकमात्र मंदिर का निर्माण भी डाकू ही करा गए थे। कथा है कि एक एक रात सपने में उन्हें साधु ने ताना मार दिया था कि मूर्ख लूट का माल यो ही नहीं पचेगा थोड़ा दान धर्म भी करना सीख कहते हैं बात ऐसी चुभी कि डाकू जालिम सिंह जी ने अगली ही रात आसपास के कई मंदिरों को लूटा और उसी मेहनत की कमाई से इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया घरों में दो चीजें सबके यहां फाइनेंसित हैं मोटरसाइकिल और टेलीविजन मोटरसाइकिल इसलिए कि गांव सड़क मार्ग से शहर जा सके टेलीविजन इसलिए कि शहर आकाश मार्ग से गांव आ सके टीवी ने तो ज्ञान के क्षेत्र में क्रांति कर दी कक्षा में मास्टर जी महाभारत के रचयिता का नाम पूछते हैं तो बच्चे बी आर चोपड़ा बताते हैं और इसका समापन जो गांव की मोहब्बत है जो सांप्रदायिक सद्भाव है देखो कुछ भी कहो दुनिया मोहब्बत से चलती है और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा इसी निमित्त निकाल रहे हैं मैं भी उसमें शामिल होकर के आया दो दिन तक जब जंगल में आग लगती है तो न तो वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में बदलते हैं और न वो बाँस बच पाते हैं जो आपसी रगड़ से जिनगारी पैदा करते हैं नुकसान सबका होना है इसलिए मोहब्बत से रहो वही जो गांव का सांप्रदायिक सद्भाव है वह देखें जो हो गांव वालों में परिहास व्रति लाजवाब गांव के आदमी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है शहर का आदमी बुरा मान जाएगा गांव का आदमी शाम को बुरा मानता है सुबह वैसा का वैसा शहर का आदमी कितना भी पढ़ा लिखा हो गांठ बांध लेगा जिंदगी भर नहीं भूलेगा उस बात को जो हो गांव वालों में परिहास व्रति लाजवाब है चरणदास जी हड़बड़ी में जरा छोटे जूते खरीद लाए दुकानदार ने बिका हुआ सामान वापस नहीं लिया क्योंकि दिन भर में एक ही बिका लाचार चरणदास जी को ठांसे के जूते काट रहे हैं और वे लंगड़ाते हुए चल रहे हैं रास्ते में टकरा गए इकबाल मिया पूछ बैठे चरणदास जी ये जूते कहां से मार लाए मतलब कितने के पड़े एक तो जूते काट रहे थे ऊपर से इकबाल मिया की मार लाए और पड़े जैसी भाषा चरणदास जी ने झल्लाकर कहा पेड़ से तोड़े इकबाल मिया बोले महाराज कच्चे तोड़ लिए क्या है जैसा होना चाहिए वह न होकर के जो नहीं होना चाहिए वह होता है तो व्यंग्य पैदा होता है वरना एक जमाना ऐसा था जब मैं भी प्यार प्रेम की कविताएं लिखता था जब तक अकल नहीं निकली थी उबासी के बहाने भी किसी लड़की के दांत दिख जाते हैं तो मैं पांच सात गजलें लिख मारता था भले वो उबासी मुझको देख करके ले रही होती थी और एक निवेदन कर दू थोड़ी संख्या में सही माताएं बहनियां बैठी हैं प्रकृति के कुदरत के सृष्टि के नियम बदल सकते हैं औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता नहीं बदल सकती मर्द की फितरत होती है अर्थी के रास्ते में भी औरत मिल जाए तो 80 साल का मुर्दा भी वाइब्रेशन मोड पर आ जाता है लेकिन यह है शादी होते प्यार का बुखार उतर जाता है जैसे ही ब्याह की कुनेन खाई प्यार का मलेरिया गायब मेरे एक मित्र ने प्रेम विवाह किया प्यार के दौरान जिस लड़की के साथ जो कंकर झील में फेंके थे शादी के बाद दाल में निकल रहे और ताली तो इस बात पर बजाओगे जिस लड़की को लेकर भागा था अब उसको देखते ही भागता है शादी के तीन दिन बाद मिला मैंने कहा नया नया प्रेम विवाह किया पत्नी को लेकर सिनेमा जाए शहर सपाटा करके मंदिर मंदिर भटकता है बोलो भाई साहब सुना है जोड़े ईश्वर बनाता है बस उसी को ढूंढना है ये वो त्याग और समर्पण का काम है प्यार मोहब्बत में आदमी को अपना कैरियर तक दांव पर लगाना पड़ता है मैं ऐसे कई लड़कों को जानता हूं जो कॉलेज के जमाने में, में मेरे साथ पढ़ते थे जिन्होंने अपने बाप की गाड़ी कमाई से प्रेमिकाओं को जलेबी खिलाई आजकल शहर के नाम ही अलवाई बने हुए हैं और मेरे मित्र का त्याग तो प्रेम के मामले में बुद्ध से भी बड़ा है बुद्ध अपनी पत्नी और बेटे को सोता हुआ छोड़कर चले गए थे वो रोज रात को इंतजार करता है कि लुगाई सोए तो घर में घुसू और देखो मैं तो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी था हिंदी भारतीय भाषाओं की जो स्थिति है हिंदी साहित्य का विद्यार्थी था तो मुझसे तो कौन प्रेम करती भाई मरते हुए पे कौन मरेगा लेकिन मेरे साथ दो चीजें ठीक थी एक तो साहित्य का विद्यार्थी था तो भाषा अच्छी थी दूसरा मैंने ट्रकों से शेरों शायरी उतार रखी थी तो प्रेम करने वाले मुझसे प्रेम पत्र लिखवाते थे और मैं जिसके प्रेम पत्र लिख देता था उसके दो नतीजे जरूर निकलते थे या तो उसकी शादी हो जाती थी या फिर वो पिटता था हालांकि बात एक ही है आज भी कई मिलते हैं अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ जो मेरे प्रेम पत्रों की वजह से बहे गए मुझे देखते ही दांत पीसते हैं कि नालायक जार्जबू से एक अच्छी खासी अमेरिकी फौज को इराक में उलझा दिया हिंदुस्तानी आदमी आम दिन तो छोड़ो चौदह फरवरी को वेलेंटाइन डे आता उस दिन तक सुख से प्रेम नहीं कर सकता चौदह फरवरी को श्रीराम सेना वाले तो ये कह देते कि जो भी प्रेम करता हुआ मिला उसको पीटेंगे और सरकार पुलिस को ये कह देती है कि देखो इस दिन कोई प्रेम से वंचित नहीं रह जाए जो प्रेम करते हुए मिलते हैं उनको तो श्रीराम सेना वाले पीटते हैं जो नहीं करते हैं उनको पुलिस वाले पीटते हैं कबीर को सूर को तुलसी को मीरा को पढ़ो तो पता लगे प्रेम दर्शन का विषय प्रदर्शन का विषय नहीं जिन नौजवानों के कंधों पर चुनौतियां हैं ये वेलेंटाइन डे वगैरह हैं क्या मेरे ख्याल से वेलेंटाइन डे भी एक सोने का हिरण है जिसे बाजार के जंगल में उन कंपनियों ने छोड़ रखा है जो धनुष बाण का बिजनेस करती है अब मैं एक अंतिम रचना आपको सुना देता हूं समय की अपनी सीमाएं हैं बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना हम जिस दौर में उस उसमें हमने क्या खोया बाकी सब चीजें तो ऐसी चलती रहेंगी एक तो आवारा पूंजीवाद ऊपर से बेकाबू टेक्नोलॉजी मनुष्य के भीतर असुरक्षा बोध भर गया वो जो कह रहे हैं ना कि गांव में ऐसा जीवन था वैसा जीवन था वो दरअसल जीवन आज भी वैसा ही है लेकिन असुरक्षा बोध नहीं था उस दौर में फाका मस्ती थी तो भी ये नहीं रहता यार कल क्या होगा आ तो बड़ी चिंता रही रहती है बस उसी का फर्क है उसमें एक शिक्षा और अभी तो नई शिक्षा आन दो अभी तो इस देश का और शहरीकरण होन दो तब तो पता लगेगा कि हमने क्या हासिल करने के चक्कर में क्या खो दिया पुराने समय में सुविधाएं कम थी सुख बहुत था चुनौतियां थी संघर्ष थे लेकिन रोमांच था वहीं से मैंने पुराने समय के जो विरोधाभास हैं और नया जो टाइम है एक रचना मैं आपको सुना देता हूं जो यूट्यूब पे भी खूब पड़ी है कहने को तो बहुत कुछ है अगली बार जब इस तरह का कार्यक्रम मिश्र जी करें तो आप अपने मित्रों शुभ चिंतकों के साथ में एक एक आदमी की जिम्मेदारी है वो दस दस को लेके आएगा और कोशिश करना सह पत्नी का है हाँ क्योंकि देखो शादीशुदा हो तो पत्नी को साथ रखा करो वरना मन की बात भी रेडियो से करते फिरोगे ग्लोबलाइजेशन को समझने के लिए वैसी दृष्टि वाले इस समय लोग कम हैं और वो जो बता रहे थे ना थिएटर के आर्टिस्ट वो बहुत अच्छी बात है कि अब लोग नहीं आएंगे आपको उन तक पहुंचना है हर दौर में लड़ाई के औजार अलग होते हैं इस समय आप गांधी जी वाले औजारों से नहीं लड़ सकते इस समय के आपको औजार बदलने होंगे उनकी तलाश करो उनका अच्छे से इस्तेमाल करो क्योंकि इस समय बड़ा मायावी है अभी पिछले दिनों में दवा की दुकान पर गया तबीयत खराब नहीं थी एक्सपायरी डेट की दवाइयों पे डिस्काउंट चल रहा था तो संयोग से वो मेरा मित्र था मेडिकल वाला उसका सेंस भी अच्छा था वहां जाने के बाद पता लगा कि आज धनतेरस है तो वो बोला यार कविराज आज भी बीमार पड़ गए क्या मजाक करी उसने तब तो मेरे ध्यान आई मैं मैंने बात संभाली मैं नहीं ऐसा नहीं है मैं दो कारणों से आया हूं एक तो आज धनतेरस है तो कुछ ना कुछ खरीदने का रिवाज है और दूसरा पूरे बाजार में आज के दिन आप ही के यहां सबसे कम भीड़ थी तो वो भी मजाक पे उतर गया बोले यार ठीक करे और दूसरे दुकानदारों की बिक्री देख करके मैं भी सोच रहा था कि एक दिन के लिए हम भी मेडिकल की दुकान के आगे थोड़े से बर्तन लगा लेते तो दो पैसे ठीक से कमा लेते वो सिंह साहब हैं दस दुकान छोड़ करके मेडिकल वाले वो तो दीपावली पे पटाखे बेचते हैं मैंने कहा सिंह साहब के पास पटाखे बेचने का लाइसेंस है क्या बोलो लाइसेंस ही पटाके बेचने का है बिना लाइसेंस के तो वो दवाइयां बेच रहे हैं तो इस समय को कैसे पकड़े इस तरह से मैं एक आर्टिकल लिख रहा था उसका एक अंश है अभी गुजरात में चुनाव थे तो प्रधानमंत्री गए हुए थे तो मेरा एक मित्र दोपहर में अपनी गाड़ी लेकर के निकला लोग बाक क्या कि परोपकार की भी मार्केटिंग करते हैं अब दया दया भाव दिखाना भी शो हो गया इवेंट हो गई तो दोपहर का टाइम गाड़ी लेके निकला तो देखा चौराहे पे भयंकर जाम आधे घंटे तो उसने इंतजार किया फिर एक ट्रैफिक वाला नजदीक से गुजरा तो उसको पूछा बोले यार ये चौराहे पे आज इतना जाम कैसे है दोपहर का टाइम हो गया बोलो प्रधानमंत्री एक एम्बुलेंस वाले को रास्ता देंगे तो बोलो यार आधे घंटे से तो मैं खड़ा हूं प्रधानमंत्री अभी तक आए नहीं क्या बोलो प्रधानमंत्री तो सुबह से ही गाड़ी में बैठे हैं एम्बुलेंस वाला नहीं आया तो ये समय बड़ा मायावी है शोशेबाजी की भी हद होती है सब तब देखें आप ये सब पूंजीवाद के साइड इफेक्ट है, इसको जितना जल्दी पकड़ लोगे उतना जल्दी चीजें ठीक हो जाएंगी इस बात को गांधी समझते थे देखो फासिज्म से दो ही लोग लड़ सकते हैं महात्मा गांधी और चार्ली चैपलिन हंसना शुरू कर दो वो उधर मन की बात करें आप ठाके लगाओ क्या जरूरत है तनाव पालने की कोई आप क्रोधित होता है तो मुस्कुरा के निकल जाओ सही जवाब है हंसना और कोई भी ताना सा ये कोशिश करता है कि उसके समाज में हंसना घट जाए हंसना घटेगा तो सारी चीजें अपने आप ठीक होती चली जाएंगी क्योंकि हंसने से चेतना आती है और चेतना से विचार पैदा होता है ज्ञ जी ने प्रतीक में एक संस्मरण लिखा जो राजेश जोशी जी की किताब में मैंने पढ़ा कोई कॉमेडियन या सटायरिस्ट जो है वो तानाशाही से कैसे लड़ता है जनरल फ्रेंको जब स्पेन में डिक्टेटर बन गए तो उन्होंने एक आदेश निकाला कि कोई भी आदमी दूसरे से बात ऐसी चीजें मैं वैसे सुनाता नहीं हूं लेकिन आज प्रबुद्ध लोग बैठे हैं बोले कोई भी एक दूसरे से बात करेगा तो सीने पे हाथ ले जाकर के तीन बार बोलेगा फ्रेंको 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 उसके बाद ही अगली बात करेगा अब पूरे देश में सन्नाटा यार एक नई आफत और आ गई एक कमेडियन एक दिन कॉफी हाउस में गया तो वहां सब लोग टेबलों पे बैठे कोई कॉफी पी रहा था किसी ने ऑर्डर दिया किसी की आ रही थी सब गप सब कर रहे थे वहां जाकर के उस कमेडियन ने वो जो पानी का ग्लास था वो पीकर के खाली ग्लास टेबल पर तीन बार ठोका और बैरे की तरफ बोल करके बोला कॉफी 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 तीन बार का तो पहले तो लोगों की समझ में नहीं आई कि ड्रामा क्या हुआ और बाद में जब समझ में आई तो हंसी के फुहारे छूटने लगे उसके बाद में यह हुआ कि कोई भी दूसरे से कोई चीज मांगता तो वो तीन बार बोलता उस चीज को जैसे सिगरेट 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 और ऐसी मजाक उड़ना शुरू हुई कि वो आदेश उसको वापस लेना पड़ा तो हंसी के पास में वो विचार वो चीज है वो चाबी है हंसना शुरू कर दो चीजें ठीक हो जाएंगी अब लोगों ने हंसना बंद कर दिया सारे दिन उसी में लगे रहते हैं तो वो एक तनाव की चीज आती है वो आपको होमवर्क देने के लिए छोड़े हुए हैं आपको होमवर्क मिल जाता है भाई या तो आप उसका जवाब दे रहे हो या उसमें घुल रहे हो तो आपको तो काम मिल गया ना उनका काम आसान हो गया वो इसी काम के लिए छोड़े होमवर्क मत ले हो। बस एक रचना आप सुन लो वे भी क्या दिन थे पुराना जो समय था और आज का जो समय है उसके विरोधाभास देखें आप वे भी क्या दिन थे वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एकाद के पास होती थी और समय सबके पास था आज की तरह नहीं था कि फेसबुक पर पांच हजार दोस्त हैं और परिवार में बोलचाल बंद है ठीक है सोशल मीडिया ने भौगोलिक दूरियां कम कर दी लेकिन आदमी से आदमी को दूर कर दिया और अब तो आदमी खुद से दूर होता जा रहा है पता नहीं इसे कनेक्टिविटी का साधन क्यों कहते हैं सोशल मीडिया क्यों कहते हैं हजारों किलोमीटर दूर बैठे आदमी से तो हम जुड़ना चाहते हैं लेकिन बस ट्रेन फ्लाइट में सफर करते हैं तो कोशिश रहती है बराबर वाली सीट खाली रहे तब वो विरोधाबाद देखें। तब मोबाइल तो क्या लैंडलाइन फोन तक नहीं होता था अतः झूठ सिर्फ आमने सामने मिलने पर ही बोला जाता था खान पान शुद्ध था और यादाश्त अच्छी थी हर व्यक्ति को साथ साथ पीढ़ियां याद रहती थी अपनी भी और गाली गलोच होने पर दूसरों की भी हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं थी हमारा पचास बच्चों तीन अध्यापकों दो पेड़ों और एक कमरे का स्कूल हुआ करता था आज तो इतने के बल पर लोग यूनिवर्सिटी चला रहे हैं पढ़ाई लिखाई को लेकर कतई तनाव नहीं रहता था क्योंकि हम विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच एक समझौता था कि सप्ताह में तीन दिन वे स्कूल नहीं आएंगे और तीन दिन हम बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था जैसे आप छत्तीसगढ़ी बोलते हैं लोक भाषा अब तो हिंदी बोलते शर्म आती है बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी और अंग्रेजी तो पीने के बाद ही बोली जाती थी कई प्रकार के खेल कूद थे अब तो बच्चे गेम के नाम पर वीडियो गेम खेलते हैं। बच्चे भी क्या करें खो खो कुश्ती और कबड्डी तो संसद विधानसभाओं में चले गए बाकी खेलों को क्रिकेट ने बाउंड्री लाइन से बाहर कर रखा है पुराना समय याद करो हालांकि क्रिकेट तब भी खेला जाता था बैट का मालिक बैटिंग करता था और बॉल का मालिक बॉलिंग फील्डर भी यही दो होते थे बैट टच न होने पर फेंकी हुई गेंद फेंकने वाले को लानी पड़ती थी एक ओवर कुल कितनी गेंदों का होगा यह गेंद का मालिक तय करता था बल्लेबाज पहले गेंद पीटता था फिर मूड के अनुसार भागकर या चलकर रन बनाता था तत्पश्चात गेंद लाता था ऐसा भी होता रहता था कि बल्लेबाज की दिन भर गेंद लाने की इच्छा नहीं रहती थी और वह दिन भर रन ही बनाता रहता था हम आवारा पूंजीवाद के दौर में जी रहे हैं जिसने मनुष्य के भीतर असुरक्षा बहुत भर दिया वार्ड्रोब आलमारी कपड़ों की भरी है आदमी आधे घंटे तक तय नहीं कर पाता कि इस पैंट के साथ कौन सा शर्ट पहनना है लोग भूखे उठते तो थे किंतु भूखे सोते नहीं थे महंगाई बिल्कुल नहीं थी ईमान के अलावा सब कुछ सस्ता था और सस्ताई का अंदाजा आप इसी से लगा लें कि फिल्मों में हीरोइनों को पैसा कम मिलता था तो भी कपड़े पूरे पहनती थी दो चीजें जिस दिन बढ़ जाएंगी उस दिन समाज पटरी पे आ जाएगा थिएटर और किताब उन दिनों रामलीलाएं मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करती थी जिनमें महिला पात्रों का रोल भी पुरुष ही किया करते थे रामलीला वालों का गले मिलने और गले पढ़ने का समय अलग अलग होता था बेचारे आडवाणी जी को थोड़ी पता था कि मोदी जी पांव छूने के बहाने जमीन खींच लेंगे रामलीला मंडली गांव की धर्मशाला में ठहरती थी हम बच्चे दिन में धर्मशाला में जाकर देखते थे कि गतरात ही एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे बाली और सुग्रीव साथ, साथ ताशपत्ती खेल रहे शूरपन खां मंथरा के लिए चाय बना रहा है और हर पुरुष की जो घर में औकात है चटाई पर बैठा रावण रात को आरती में आए पैसों का हिसाब मंदोदरी को दे रहा है वहीं जाकर के मंजिल का पता मालूम होता आदमी को चाहे कोई कितना भी बड़ा तुर्रम का समझे वो मोदी जी ने भी एक बार ही कही थी मेरा सीना छप्पन इंच का है मैं कहा भैया शादी करके पत्नी को भूलने की सुविधा होती तो हमारा भी इतना ही होता हाँ। लोग पैदल चलते थे और पदयात्राएं करते थे जो कि पद प्राप्त करने के लिए नहीं होती थी कुछ एक के पास साइकिलें होती थी जो चार रोटियों में चालीस का एवरेज देती थी कारें मोटरसाइकिलें तो छोड़ो बसें तक गिनती की हुआ करती थी जहाज और हवाई जहाज तो हम किताबों में देखते थे और कॉपियों के बनाते थे याद आती हैं वे मीटर गेज की कोयले के इंजन वाली गाड़ियां तय करना कठिन था कि ट्रेन और यात्रियों में कौन किसको ढो रहा है उनकी स्पीड का तो ये हाल था कि घंटे आध घंटे का सफर होता था तो भी लोग तीन वक्त का खाना बांध कर चलते थे ट्रेन में चढ़ने में जितना पसीना आता था उतरने में उससे अधिक आता था यात्री काट की सीटों पर काट के उल्लू बने बैठे रहते थे डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था और भारतीय मनुष्य का मनोविज्ञान देखो आप और ढंग से पकड़ लो तो मुझे बताना डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था खड़े यात्री भजन पसंद करते थे और जिन्हें सीट मिल जाती थी वे गजल लोग फरमाइशें करते रहते थे और डफली वाले गाते रहते थे डफली वालों को पैसा देने का वक्त आता था तब फरमाइशें करने वाले खुद गाने लगते थे क्योंकि यात्री को सामान की भी स्वयं ही रक्षा करनी होती थी अतः खाली हाथ चढ़ते थे तो भी सामान लेकर ही उतरते थे चिट्ठी पत्री का दौर था एसएमएस ईमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद पत्रों में व्याकरण अशुद्ध होते हुए भी आचरण शुद्ध होता था मैंने तो स्वयं कई बार अपने पिताजी को चरण स्पर्श की जगह आशीर्वाद लिखा है खत लिखता हूं खून से शाही ने समझना अर्थात प्रेम पत्र लाल शाही से लिखकर अपने खून से लिखा बताने का रिवाज तब भी था परिणाम भी वैसा ही निकलता था जिन्होंने वैसे प्रेम पत्र लिख लिख कर कबूतर उड़ाए थे आज बेचारे शादी सुधाएं और तोते उड़े हुए शादी से याद आया तब शादियों में व्यर्थ का धूम धड़ाका और दिखावा नहीं होता था बस दो चार बाराती बैंड पर बजती बीन की धुन पर नागिन डांस कर लेते थे क्योंकि तब बीन बनाने के लिए रुमाल ही दो चार बारातियों के पास होते थे और समापन की ओर बढ़ते हैं फिर एक लघु कथा और सुना देता हूं जो कल जिक्र हो रहा था इंटरव्यू में वह टीवी नहीं रेडियो का युग था व्यक्ति बंदूक भले ही बिना लाइसेंस के रख सकता था किंतु रेडियो के लिए लाइसेंस अनिवार्य था तो पोस्ट ऑफिस में रिन्यू कराना पड़ता था वरना तो जेल जाओगे अगर बिना लाइसेंस का रेडियो किसी ने देख लिया किंतु रेडियो के लिए लाइसेंस अनिवार्य था याद आते हैं अमीन सयानी का बिना का गीतमाला जसदेव सिंह की हिंदी कमेंट्री कृष्ण कुमार भार्गव देवकी नंदन पांडे और रामानंद प्रसाद सिंह के समाचार और अब आपकी मोहब्बत मिलेगी गर्दन झुकाकर बीबीसी तो ऐसे सुनते थे जैसे आज बीबीसी सुनते सच है सच है गन्ने का रस सूख जाए तो वह लाठी रह जाता है तब हमारा जीवन कछुए की तरह था आज हम खरगोश की तरह दौड़ रहे हैं अर्थात भाग सब रहे हैं और पहुंच कोई नहीं रहा एक वो लघु कथा मैं सुना देता हूं उसके बाद में इस कार्यक्रम को विराम देते हैं बहुत अच्छा आपने सुना दो सुना दू हां एक तो देखो कवि या कलाकार कितने गैर जिम्मेदार होते हैं अवसरवादी हो जाते हैं वो समय इस समय भी चल रहा है लोग धंधे पे उतरे हुए हैं देश जिस जोर से गुजर रहा है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे लघु कथा का शीर्षक है वो जो सुनाना चाहता था वो बाद में सुनाऊंगा दस दस लाइन की है थिएटर के आर्टिस्ट बैठे हैं आपको समर्पित करता हूं आप जो बात कर रहे थे मन में वहां जाके कला दिखाई वहां नुक्कड़ नाटक किए यही समर्पण भाव होना चाहिए चाहते तो हम भी इस समय लाखों कमा सकते थे अब नुकसान होता है लेकिन एक कलाकार की जिम्मेदारी भी होती लघु कथा का शीर्षक है जू ही मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हिंदुस्तान के अधिकतम भूभाग का अधिपति हुआ ये आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूं कि ये इसकी पृष्ठभूमि आप लोग जानते हो दूसरा तो जानता नहीं तो मैं सुनाता नहीं ज्यों ही मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हिंदुस्तान के अधिकतम भूभाग का अधिपति हुआ त्यों ही कवि कुंभन दास ने अब्दुल रहीम खान खाना को फोन मिलाया रहीम ने पहली घंटी पे फोन उठाया कहो कुंभन दास जी आज हमारी याद कैसे आई फारसी संस्कृत हिंदी के उद्भट विद्वान व कवि आलमपना अकबर के मुख्य सेना नायक और नवरत्नों में से एक रहीम रहीम के मुख से बिना किसी पूर्व परिचय के यूं अपना नाम सुनकर कुंभन दास को विस्फोटक आश्वस्ति हुई कि जब रहीम की फोन बुक में नाम फीड है तो गुड बुक में भी हुआ ही समझो कुंभन दास ने पूछा आजकल बादशाह सलामत दिल्ली में है आगरा में है कि फतेहपुर सीकरी में है रहीम बोले जी फतेहपुर सीकरी में है कुभन बोला तो आलमताब के सानिध्य में जमाओ शीघ्र ही सीकरी में कवि सम्मेलन रहीम बोले लेकिन कुंभन जी जहां पनाहा तो कविता वगैरह समझते ही नहीं है कुंभन बोला ये तो और अच्छी बात हुई हेलो सीकरी में कवि सम्मेलनों का सिलसिला सदैव के लिए चल निकलेगा बस आप तो शहन हुजूर तक यह रहस्य पहुंचा दो कि काठ से बंधकर ही पत्थर तैर सकता है कवि ही की कलम में वह धार होती है कि जघन्य जनसंघारों को भी दुनिया धर्मयुद्ध मानने लगती है कवि ही की वाणी में वह जादू होता है कि राजे की राजा की प्रत्येक मूर्खता को उसकी लीला सिद्ध कर दे रहीम बोला लेकिन कुंभन जी आप तो कभी अपने एक पद में संतन को कहा सीकरी सो काम कह चुके हैं कुंभन बोले वह तो मेवाड़ वालों ने कवि सम्मेलन में बुला लिया था इसलिए कहना पड़ा हे 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 हे, हे। दरअसल वर्तमान जो परिदृश्य है उस पर मुझे धर्मवीर भारती जी का नाटक अंधा युग है उसका एक दृश्य याद आता है तीन चार पंक्तियों का युद्ध का अंतिम दिन है अठारवा दिन है। और दोपहर बाद का समय है गांधारी और धर्तराष्ट्र महल में बैठे संजय का इंतजार कर रहे बड़ी जोरदार बात मुझे भीतर तक हिला गया यह संवाद दोनों इंतजार कर रहे हैं कि संजय आए तो बताए कि दुर्योधन मारा गया कि जीवित है दो प्रहरी पहरा दे रहे हैं। अब एक प्रहरी का सवाल दूसरे का जवाब वर्तमान भारतीय परिदृश्य को आप समझेंगे एक अचानक सन्नाटा गहराया और अंधकार बढ़ने लगा तो एक प्रहरी दूसरे से कह रहा है ये अंधकार कैसे बढ़ रहा है जरा देखना तो, तो दूसरा प्रहरी बोला अंधे राजा की प्रजा कहां तक देखे तब एक आप लघु कथा अंतिम सुन ले इसका भी एक टाइम आता है हर चीज का भाई जैसे मारीच जैसे मायावी निपट गए तो ये सब कहां तक चलेंगे हाँ। तमाशेबाज राजा मैम आप सुनो आप पढ़ रही थी वो ये लघु कथा है अंतिम है उसके बाद विराम लेंगे तमाशेबाज राजा राजा छटा हुआ तमाशेबाज था वह अपनी प्रजा के मनोविज्ञान से अवगत था कि अमीर गरीब ज्ञानी अज्ञानी कोई हो सब तमाशा घुस के देखते हैं उसे पता था कि तमाशेबाजी से एक बार प्रजा के सम्मोहित होते ही राजा प्रजा में सदा के लिए ऐसी ट्यूनिंग बन जाती है कि राजा सिर पीटने की बात भी कहे तो प्रजा तालियां पीटने लगती राजा ने सुशासन के लिए तमाशाई शैली अपनाई प्रजा ने साफ पानी के लिए आवाज उठाई राजा ने बहती नदी पर हवाई जहाज तैरा दिया खाली हाथों ने काम मांगा राजा अपने हाथ पीछे बांध रस्सी से लटकी जलेबियां खाने को उछलने लगा बस्ती में आग लग गई राजा ने आग लगे गोल चक्कर में से आर पार कूदना शुरू कर दिया प्रजा ने मुद्रा स्पीति और मुद्रा अवमूल्यन की ओर ध्यान देने को कहा राजा गुफा में ध्यान की मुद्रा बनाकर बैठ गया नागरिक बोले यातायात के साधन मुहैया कराओ राजा मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने लगा जनता ने स्कूल अस्पताल के लिए आंदोलन किया राजा ने पड़ोसी राज्य के आक्रमण का भय दिखाकर खाली बोतल में रख रखकर राकेट छोड़ने शुरू कर दिए प्रजा काम की बात पूछती राजा मन की बात करने लगता जो हो समापन करता हूं भरपूर तालियों से विदा करना जो हो तमाम तमाशेबाजी के बावजूद राजा को यह एहसास जरूर था कि तमाशेबाजी की अपनी खूबी है तो खामी भी है खूबी यह है कि तमाशा दिखाने से प्रजा मूल मुद्दा भूल जाती है और खामी यह है कि हर बार नया दिखाना पड़ता है बड़ी मोहब्बत दी आपने हम इस कार्यक्रम को खत्म नहीं कर रहे हैं अगले समय तक के लिए स्थगित कर रहे हैं और यही कहेंगे कि सच्चा है अपना प्यार तो फिर क्या ही जहाँ का डर गुलबन के गुलिस्तान वफा में खिलेंगे हम और अब बिछुड़ रहे हैं तो रंज मत करो अगली बार आई तो फिर से मिलेंगे हम बहुत बहुत धन्यवाद फूलों की बारिश संपत सरल जी पर और साथ ही प्रधान संपादक सुभाष मिश्रा जी पर बहुत ही शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया और यही संपत सरल जी की खासियत भी है कि गुड़ बातों को वो उनका जो अंदाजे बयाँ होता है वो इतना शानदार होता है कि बस लोग सुनते ही रह जाते हैं और तालियां बजती ही रह जाती है तो एक बार पुनः आभार संपत सरल जी का और साथ ही एशियन न्यूज़ ने जो शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया है सुभाष की बात बिलासपुर के साथ जिसमें महत्वपूर्ण विषयों को लेकर मुद्दों को लेकर गहन चर्चा हुई है बातचीत हुई है और साथ में कार्यक्रम के आखिर में हमने संपत सरल जी को भी सुना है और इसी के साथ आज कार्यक्रम के समाप्ति की ओर है और धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं जंधारा मीडिया हाउस के सीनियर एचआर मैनेजर शकील साजिद जी से विनम्र आग्रह करती हूं कि वे मंच पर आए और धन्यवाद ज्ञापित करें शुक्रिया प्रथा आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों ने अपना कीमती वक्त हमें दिया और मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जो लोग आखिर तक रुके थे निश्चित रूप से वो तमाम लोग सुधिवाद के पात्र हैं वो तमाम लोग बुद्धिजीवी लोग हैं क्योंकि दुष्यंत साहब ने भी कहा है कि आएगा कोई ना कोई तुम निहारो तो सही कोई दिखेगा ज़रूर तुम पुकारो तो सही मत करो शिकवा कि सदियों से है जल सोया हुआ बीच में चुपचाप एक कंकर मारो तो सही आप सभी का और ख़ास तौर पर संपत सरल जी का आप सभी का जितने भी पैनलिस्ट थे जितने भी लोगों ने हमारे साथ जनप्रतिनिधि जितने भी लोग साहित्य कला और दूसरी विधाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे पास आए थे उन सभी का धन्यवाद जितने भी शानदार लोग यहाँ मौजूद थे उन सभी का धन्यवाद सुभाष भैया के बारे में एक बात कहना मैं ज़रूर चाहूँगा ये वैस ऐसी शख्सियत है जिसके बारे में कहा जाता है सदियों में या आय उसी को लोग चढ़ाते हैं बढ़ के सूली पर जो शख्स वक्त का मसीहा दिखाई देता है एक ऐसी शख्सियत जो सामाजिक सरोकार के साथ साथ ख़बरों की दुनिया में रहना चाहती है लोगों को जागरूक करना चाहती है हमें इस बात पे फख्र है कि हम जनधारा से जुड़े हैं या एशियन न्यूज़ से जुड़े हैं इस बात का फ़ख्र नहीं हमें इस बात का फ़ख्र है कि हम सुभाष मिश्रा की टीम में है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत आभार जय जोहार धन्यवाद